की स्लाइड आई थी जो उस टाइम पे आई थी ना, ये देखो इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया था। पर भाई ये है मणिकर्ण गुरुद्वारा, इसमें तो कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इधर जालियां टूटी थी। मैंने यहाँ पे भी हुआ था क्योंकि यहाँ से नाला आ गया था। किस साइड से आया था? इस साइड से नाला आ गया था। ये देखो सारी दुकानों में बेचारे दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं सभी। ये देखो ना कहाँ तक निशान दिख। एक नुकसान हुआ वहाँ पे नहाने का बनाया हुआ था, गर्म पानी का पूल था, वो चला गया। वो मेरी लास्ट वीडियो में है। सो नमस्कार दोस्तों। सो दोस्तों आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों अभी मैं हूँ मंडी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर ऊपर। हम कर रहे थे कार कैंपिंग, वो आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके होंगे। और अभी हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ, तो देखते हैं हो सकता है हम कसोल जाएं या मनाली जाएं, वो अभी श्योर नहीं है। तो वो डिसाइड करेंगे हम कुल्लू पहुँच के कि हम किस टाइम तक कुल्लू पहुँच जाते हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे और रास्तों का हाल। वो अनटच एरिया है जहाँ पे बहुत बहुत कम लोगों ने ये एरिया देखा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ लोकल ही आते हैं। कितनी दूर तक की वैली दिख रही होगी, और इधर देखो हुए तो इधर भी देखो पूरी वैली दिख रही है दूर तक। तो ये है मज़ा ऑफ बीट में जाने का, मज़ा आता है ऐसी जगह पे जाने का। क्योंकि और अभी हम हैं हिल टॉप पे, तो टॉप में थोड़ा सा और बेहतर दिखता है। एरिया देखिए भाई, अलग ही खूबसूरत है। इधर से देखिए पूरा का पूरा एरिया जबरदस्त है। और ये है सामने का, इस एरिया में स्लाइड है बहुत ज़्यादा आ रखी, बहुत ज़्यादा। और ये सामने दिख गया अपना मंडी वाला एरिया। तो ये है मंडी, पहुँच जाएंगे हम सीधा और मंडी से निकलेंगे। फिर आगे का पता नहीं भाई कैसा रास्ता होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, बाकी कोई इशू नहीं है। ये तो स्लाइड है पर ये रोड काफ़ी बचा हुआ है, तो कहीं ऐसी इशू है नहीं इसमें। पहुंच चुके भाई वापस मंडी के मार्केट में, और मंडी की मार्केट क्रॉस करते ही हम आ जाएंगे अपने मेन चंडीगढ़ हाईवे पे। अभी तक तो हम मार्केट के अंदर ही हैं, तो ये अप्रोच रोड है, ये उससे मतलब कनेक्टेड नहीं है। ये जाता है रिवालसर, रिवालसर के लिए अगर आप जाते हो तो इस रोड से जाओगे आप, अगर मंडी से रिवालसर जाते हैं, नहीं तो नेहर चौक से भी रिवालसर जाते हैं। तो ये देखिए भाई ये पूरी मार्केट है, और वो सामने उसको कुछ और मार्केट, वो इंदिरा मार्केट बोलते हैं, और वो है अंडरग्राउंड ना, इसके नीचे बनी हुई है प्राचीन टेम्पल, शिव टेम्पल जो है इधर। और ये सामने आ गया फ्लाईओवर, जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं पुल को क्रॉस करते ही हम हाईवे को कनेक्ट कर देंगे सामने। भाई अभी अभी पता चला है जो मेन हाईवे था वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस पर काम चल रहा है, तो वो खुलेगा शाम तक। बट वैसे नॉर्मली ठीक है वो हाईवे। तो अभी हम जा रहे हैं कंडी कटोड़ा होते हुए और सीधा उतरेंगे बजोरा। आ गया है अपना वापस दोबारा फिर से जोगिंदर नगर वाला हाईवे, इसमें थोड़ा सा चलते ही और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। भाई ये देखिए मंडी में जो इस टाइप के नुकसान है ना, ये उस दिन नहीं था, लेकिन अभी ये सूखने के बाद चला गया है। देखो कितना बड़ा हिस्सा चला गया नीचे, पूरा मंडी शहर अब तो ठीक है, नॉट बैड। भाई ये रास्ता सीधा निकल जाता है बजोरा की तरफ, और ये ही रास्ता जाता है उधर से भी घूम के आते। देखो किलोमीटर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ रोड का। जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ रोड सिंगल हो जाता है ना वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अच्छी रोड से होते हुए IIT मंडी पहुँचेंगे हम, IIT मंडी से फिर हम आगे जाएंगे। पर ये देखो इस रोड पे भी जगह जगह ये जो बाहर निकाल के रख रखे हैं, इसका मतलब होता भाई जहाँ पत्थर लगे हुए हैं उससे थोड़ा सा दूर से ही चलो, क्योंकि इसका मतलब है कि अबे भाई कि नीचे से खाली हो रखी है ज़मीन, तो इस कॉर्नर से ना चले। तो जहाँ पे भी पत्थर लगा हुआ दिखता है ना हिमाचल उत्तराखंड में, इसका मतलब है खतरा, और खतरे से थोड़ा बच के चलो। IIT मंडी तक तो ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, डबल रोड है, कोई दिक्कत नहीं। IIT मंडी से आगे ये रास्ता सिंगल हो जाता, पर ये जैसे जैसे हिल टॉप पे चढ़ रहे हैं और फिर आगे जाएंगे तो हम उतरेंगे और फिर चढ़ेंगे। भाई क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, एरिया बहुत बहुत ब्यूटीफुल है ये सारा। पर प्रॉब्लम वही हुई कि भाई जो स्लाइड है और वो हुई ना, बट ये ऊपर का रास्ता भी आप देख लो, मतलब इतना वो नहीं है, हाफ है जो सिंगल है, हाफ जो है वो डबल है। तो पहले डबल का मजा लेते हैं और फिर सिंगल का। पर एक अच्छी बात क्या है भाई, आज एक अच्छी बात क्या लगी मेरे को, ट्रैफिक नहीं है।
ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा। हो सकता है अभी वो किया हो या फिर ट्रैफिक उस साइड में फंस गया हो, इस साइड में तो ऐसा ट्रैफिक वगैरह है नहीं, और मैक्सिमम जो ट्रैफिक होता है वो शाम को होता है। और वो दिख गई सामने IIT मंडी, वो देखिए भाई जो नज़ारे है ना अद्भुत है, ग्रीनरी हो रखी है। ये टाइम है प्योर ग्रीन का है, देखो पूरा लैश ग्रीन चल रहा है, पूरा का पूरा एरिया, कोई कहीं कोई इशू नहीं है। तो आप देखो अगर वैसे तो हाईवे चालू है ही, अगर इन केस नहीं भी होता तो इस रोड से भी आने में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। बीच में आएगा थोड़ा सा खराब, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और वैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखा भी दिया था। रोड हो चुके खत्म, अब आ गए हैं सिंगल, अब आगे तक सिंगल, बीच में आएगा शायद थोड़ा सा डबल एक बार फिर, और फिर आ जाएगा सिंगल। एरिए में हो रही है अभी खेती, मक्का बोई हुई है सबने, ये देखिए गांव के आसपास जितना एरिया है वो सारा मक्का का दिख रहा है। और आगे की वैली देखिए कितनी ब्यूटीफुल है भाई, मस्त है पूरी पूरी की पूरी वैली। और ट्रैफिक नहीं है ना तो अब इतनी दिक्कत, ऐसी परेशानी लग नहीं रही कि हम अप्रोच रोड से आ रहे हैं उसमें से, सब नॉर्मल है। देखिए भाई इस एरिया से भी आप गुजरते हो ना तो आपको मतलब नेचुरल ब्यूटी दिखेगी आपको, चारों तरफ ग्रीनरी हरियाली बस। आप मेन हाईवे से जाते हो ना तो मेन हाईवे से आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि व्यू नहीं है भाई बिल्कुल भी। अब तो जो मेन अपना हाईवे बन गया ना वो क्विक तो है बट जो सफर का मजा आता था ना वो नहीं है। इन रास्तों पे सफर का मजा आता है, जो मनाली 2 या 3 बार आ चुके हैं और फिर आना चाहते हैं तो भाई मैं कहता हूँ इस रास्ते को ट्राई करो, उससे बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ रास्ते कहीं काफ़ी जगह सिंगल है बट कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है तो बहुत आसानी से आप जा सकते हो, तो अब भाई इतना इशू है नहीं, आप मनाली कसोल तीर्थन आ सकते हो घूमने के लिए, क्योंकि मौसम भी अब साफ ही रहने लग गया क्लियर। एरिया देखिए कितना सुंदर, अति सुंदर कह सकते हो आप, पूरा लैश ग्रीन, दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है इस एरिया में, क्योंकि ये अप्रोच रोड है जो गांव का रोड जिसको बोलते हैं ना वैसा। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना वहाँ पे, इतनी भीड़ भाड़ कमर्शलाइज हो गया है कि बस मतलब दिल ही नहीं करता वहाँ जाने का। ऐसी जो लोकेशन मिल जाए बिल्कुल बिंदास, दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहों पे आके। छोटी सी नदी है और पीछे का नज़ारा देखो बेहद ही अति खूबसूरत है। ये देखो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, कितनी बड़ी वैली दूर तक दिखता आपको वहाँ तक। ने है ये है प्रासर लेक वाला एरिया, ये उधर चला जाता प्रासर लेक की तरफ और ये सामने चला जाएगा कुल्लू की तरफ। तो हम निकल गए कुल्लू वाले पर रास्ते पहले से बेटर हो गए, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब कुछ ज़्यादा ख़राब से लग रहे थे, एक तो फंसे हुए थे तो लग रहा था पता नहीं क्यों, अब तो बिल्कुल सही है भाई। चुके हैं बिल्कुल टॉप पे और व्यू देखिए क्या है। आके आ गए दयार के लंबे लंबे पेड़, ये देखिए बिल्कुल जंगल का एरिया है बट यहाँ पे स्लाइडें काफी आई थी तो वो अब तो क्लियर कर दिए हैं हर जगह से कि स्लाइडें आई थी जो उस टाइम पे आई थी ना। ये देखो इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया था पर ये रास्ता सबसे कम टाइम ब्लॉक रहा था। इस टाइप के जो है ना ये नुकसान बड़े होते क्योंकि ये नीचे से ही दोबारा रीबिल्ड करने पड़ते डंगे लगा के जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो भाई जो इस टाइप के रोड जाते हैं ना नीचे वो लेते हैं टाइम। अभी देखो मंडी वाला भी जो मेन हाईवे है वो भी उसको आज कर रहे हैं फिर दोबारा से ठीक ठाक, तो वो हो जाएगा शाम तक फिर दोबारा ओपन हो जाएगा। और ये तो चलेगा भाई अभी और 2-4-5 दिन जब तक वो प्रॉपर रेडी नहीं हो जाता क्योंकि उन्हें ट्रैफिक को भी संभालना है और भाई रोड को भी, क्योंकि जो स्लाइड होती है ना ये आ जाती है जरा सी बारिश में क्योंकि ये देखो बिल्कुल मिट्टी है और एकदम खड़ी वो है, यहाँ पे भी बड़ा वो था तो यहाँ पे भी बंद कर रखा था पहले और एक जगह और थी
तीन जगह ऐसे वो था, पर अब की बार मुझे भाई इस रोड से जाते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ा ही मस्त मजेदार रोड था। तो भाई देखते हैं, शायद हो सकता है कसोल ही जाऊं मैं आज, तो देखते हैं कसोल कैसा रहता है अपना। ये आगे हम दूसरी साइड में इस पहाड़ के, तो व्यू तो इस साइड में भी ऐसे ही है जैसे उस साइड में थे। रास्ता तकरीबन सही कर दिया है अभी मोस्टली, अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो उस साइड से बचा होगा, इस साइड से तो सारा सही कर दिया है। यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था बड़ा मस्त नज़ारा, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से, क्योंकि यार थक जाते हैं बैठे बैठे, ऐसे पैंट गीली होने लग जाती है पसीने से, चाहे बेशक एसी चला हुआ हो भाई। तो भाई व्यू, और जो वो सामने दिख रहा है ना आपको, वो देखिए वो सामने है, वो मेन कुल्लू वाला रोड हाईवे, जो अपना मेन हाईवे है ना, वो दिख रहा है आपको नीचे से, और हमें जाना है वहीं से। वो देखो रास्ता दिख रहा है ना, ये पूरी पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए और पहुँचना वहीं पे। तो भाई देखो, अगर आप हिमाचल आना चाहते हो ना, तो अब कोई ऐसा इशू रहा नहीं है, मेजर इशूज तो कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, और एडवेंचर करना है तो थोड़ी बहुत इन चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ेगा। बस अब मतलब है ना, बस अब है ना, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, वो निशान रह गए हैं उसके, जो बाढ़ आई थी उसके निशान रह गए, डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है उसकी। तो चलो चलते हैं भाई, निकलते हैं, दो मिनट हो गई, पहुंच गए यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं हुई, सब मस्त था, ना तो कहीं ट्रैफिक मिला और ना कहीं रोड वोड ऐसा ख़राब है। तो अब हम यहाँ से निकल जाते हैं हाईवे की तरफ। अगर आप जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है ना, मैं यहाँ फंसा था पूरे के पूरे 24 घंटे यहाँ रुका था, और उसके बाद मेरे को मिली थी जाने के लिए। अब तो कोई ऐसी वो दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई बंद बंद तो होता नहीं, बस नॉर्मली ये चलता रहता है। ये भाई खूबसूरत नज़ारे भुंतर के, ये रिवर है भाई, है ना। अब तो मैं ये कह सकता हूँ मनाली तक कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मनाली का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा कल वाली वीडियो में, क्योंकि आज वाली वीडियो में तो मैं सीधा यहाँ से जाऊँगा पहले कसोल। तो आज आप लीजिए कसोल का आनंद, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ मनाली का। पर आप अगर दिल्ली से आ रहे हो ना, तो फिलहाल देखो मंडी तक कोई भी इशू ही नहीं है। इससे आगे एक दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक स्लो हो जाता है, बाकी कहीं कोई स्लाइड का या कहीं कोई उस ऐसा कोई बड़ा इशू कहीं भी नहीं है। तो आप बिंदास होके बेफिक्र होके आ सकते हो मनाली, कसोल या तीर्थन, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो मतलब हिमाचल इज स्टार्ट अगेन, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे वो अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है। तो भाई भुंतर पहुंचने वाले हैं, भुंतर बाईपास ही जाएंगे हम, भुंतर तो जाएंगे नहीं, भुंतर रह गए साइड में। तो ये रास्ता पूरा फर्स्ट क्लास है। देखो एक दो जगह पॉइंट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगता है बिकॉज ऑफ वो जो रोड टूट गए थे उन पे, अदरवाइज रास्ते सही है भाई, क्योंकि अब तो वोल्वोज भी आने लग गई यहाँ तक, तो आराम से इजीली तो आप वोल्वो से भी आ सकते हो और थ्रू टू अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हो। मणिकरण चौक पे, और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, सीधा जाएंगे तो मनाली चले जाएंगे, कुल्लू और मनाली। कुल्लू यहाँ से पड़ता है लगभग 7-8 किलोमीटर, इधर चला जाता है भुंतर, और ये रोड चला गया मणिकरण की तरफ भाई। अब दिखाते हैं आपको मणिकरण रोड का क्या हाल है भाई। बसें भी चालू हो गई है मणिकरण के लिए मेरे ख्याल से, देखता हूँ मैं कहाँ की बस है, वैसे मेरे ख्याल से तो ये मणिकरण की है, नहीं ये लोकल बस है भाई, ये मणिकरण की नहीं है, ये भुंतर बड़ोगी भुंतर। अभी भी पानी गंदा ही आ रहा है कहीं ना कहीं भी, या तो बारिश हो रही है क्योंकि पानी साफ है नहीं, तो शायद मौसम ख़राब हो सकता है उस साइड में, पर अभी तक तो भाई बढ़िया धूप निकली हुई है। ये देखो भाई क्या हाल है, इधर ही आइए, सबसे ज़्यादा स्लाइड ना, तो इसी कारण शायद बसें वगैरह इसीलिए ना आ रही, हो सकता आगे भी हो नहीं पता, पर यहाँ पे तो स्लाइड काफ़ी आ रखी है, पीछे तो लेंटर वगैरह भी गए हुए थे 2-3।
लेंटर का मतलब घर होता है यहाँ पे, लेंटर घर को ही बोलते हैं। तो घर भी दो तीन गए हुए हैं नीचे, तो देखते हैं भाई आगे कैसा हाल है। एक ये स्लाइड आई हुई है भाई, ऐसी ऐसी स्लाइड है, आप ये देखते हैं कितनी जगह है, दो जगह मिली है ऐसी स्लाइड है, शायद इन्हीं स्लाइडों के कारण बस वगैरह वो ना कर रही। ये एक स्लाइड पीछे थी, तक तो ऐसी कोई इशू आया नहीं हमें कहीं भी, मतलब वो छोटे छोटे सिर्फ एक 10 मीटर 15 मीटर के पैच है, और वो भी मतलब अब ठीक कर दिए हैं। अंदाजा सही था, ऊपर देखो पहाड़ों पे बारिश हो रही है कहीं ना कहीं, देखो बादल वगैरह आगे, इधर तो धूप है बट आगे है कहीं ना कहीं। देखो जब भी आप आते हो ना, रोड वगैरह की कोई इशू नहीं है अब फिलहाल, ना कहीं ऐसे रोड टूटे हुए हैं कि भाई ज़्यादा सफ़र में फ़र्क पड़ेगा आपको, फर्म है ना। मैं कहता हूँ मंडी से और कसोल के बीच में जितने भी वो पॉइंट्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का फ़र्क मैक्सिमम पड़ेगा, अदरवाइज वही पुराने सब कुछ एज इट इज़ ही है। और सेकेंडली बट एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप भाई जब भी आने का प्लान करते हो ना, तो सिर्फ वेदर फोरकास्ट जरूर देखें, क्योंकि वेदर फोरकास्ट देख के आना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद यही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई करो कि कभी भी वेदर जब खराब है तो नहीं चलना। तो अभी चल रही है ये देखो, आ रही है बस, और ये बस मणिकरण से ही आ रही है, तो बसें भी चल गई हैं अब मणिकरण में लोकल, तो हो सकता है वोल्वो वगैरह ना चल रही हो, तो भाई ये अच्छी बात है कि लोकल बसें तो कम से कम चल गई। अब तो ये है कि अगर जो बसों में भी आना चाहते हैं वो अपना यहाँ तक भुंतर तक अपना वोल्वो में आ सकते हैं, और भुंतर से लोकल बस पकड़ के वो कसोल जा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है भाई। तो ये मेरे को नहीं पता था, पहले तो ये कह रहे थे कि बसें नहीं चल रही, तो हो सकता है वो वोल्वो के लिए बोल रहे हो, बट नॉर्मल लोकल बसें तो चल रही है जरी की मार्केट में। और जरी से थोड़ा सा आगे चलते ही एक रास्ता चला जाएगा कसोल की तरफ, और एक चला जाएगा मलाना की तरफ, मलाना और वेचिंग वैली की तरफ। पर अब वो ट्रैफिक तो है ही नहीं, देखो टूरिस्ट तो है ही नहीं, सिर्फ जो है वो लोकल ट्रैफिक है यहाँ पे। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम आओ, जो लोग पीसफुली इंजॉय करना चाहते हैं ना, सबसे बेस्ट टाइम है, कोई रोड पे ट्रैफिक नहीं है, सिटी में भीड़ नहीं है, और पूरा लैश ग्रीन हो रखा है, तो बिल्कुल सबसे बेस्ट जो टाइम है मैं तो कहता हूँ यही है, क्योंकि अब कोई ऐसा इशू नहीं बारिश वगैरह का उसका, क्योंकि मानसून जा चुका है, और बारिश यहाँ सिर्फ मानसून में होती, नॉर्मल इतनी बारिश कभी नहीं होती। ये रास्ता भी चला गया था, तो नीचे से अब डंगा लगा रहे हैं, डंगा भरेंगे और फिर ऊपर आने देंगे। तो अभी देखते हैं कि मेरे ख्याल से ये 2-4-5 दिन में ये काम सारे ख़त्म हो जाएंगे जो छोटे मोटे बचे हुए ना ये भी। और भाई यहाँ पे मतलब कोई ऐसा रिस्क वाला काम अब रहा नहीं, क्योंकि अब मिट्टी सूख चुकी है, जो फिसलना था फिसल चुका है, और ये सामने जो दिख रहा है ये रास्ता जाता है मलाना और वेचिंग वैली की तरफ, और ये सीधा चला जाएगा कसोल की तरफ। तो भाई अभी हम रुकेंगे रोहित भाई के पास, रोहित भाई की कैंपिंग साइड है यहाँ पे एडवेंचर कैंप, तो पहले उनसे मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान है कि आगे जाएंगे हम जाएंगे या सुबह आ जाएंगे। पर आपको मणिकरण और कसोल दोनों का ही हाल दिखा देंगे, वैसे हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ से पड़ता है शायद 7.5-8 किलोमीटर, तो और उसका भाई का पड़ता है लगभग 4-4.5 किलोमीटर पहले। पर लोकेशन ऐसी मस्त है भाई की, बिल्कुल रिवर साइड में और सारी फैसिलिटीज है। रोहित भाई का कैंप, ये इधर कुछ रेनोवेशन वगैरह करवा रहा है, कि पीछे थोड़ा सा नुकसान हो गया था जब पानी आया, बट ये सेफ रहे पूरे प्रॉपर। तो ये देखिए भाई, इधर भाई ने एडवेंचर वगैरह भी लगा रखा है, वो सामने जो दिख रहा है वो भाई का कैफे है, वो भी कैफे है, कैफे प्लस बार है, वो कैफे है, और डीजे चलता है भाई पूरा दिन, मतलब शाम को चल जाता है डीजे, शाम को चलता है और 10-10:30-11 बजे तक रहता है। रोहित भाई मिल चुके हैं, मैं और रोहित भाई दोबारा पहले जाएंगे कसोल, फिर देखते हैं मणिकरण का क्या हाल है, और उसके बाद देखते हैं कहाँ वापस आते हैं, कहाँ स्टे करेंगे। तो भाई यहीं से है, भाई का वो जो मैंने कैंप दिखाया था एडवेंचर कैंप, वो भाई का ही है, मोहित भाई का ही। और कभी भी आप आते हैं ना इस एरिए में आ सकते हो, रिवर साइड है, बढ़िया कैंप है, और उसका मैं टोटल डिटेल है वो इसमें भी डाल दूंगा, और इनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हो। ब्लॉकेज, मेन ब्लॉकेज हुई थी ना मणिकरण के लिए और कसोल के लिए, वो ये थी, पर इसको कर दिया है अब। पर ये जो रोड था पहले नीचे था, ये नीचे चला गया। तो भाई अब सब ठीक है,
चला हुआ है, तो बहुत जल्दी ये रेडी कर ही देंगे, कोई ऐसा इश्यू है नहीं। देखा तो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। तो वेलकम टू कसोल, वैसे तो कसोल में ही है पर ये आउटर पार्ट है कसोल का, लंबे दूरी में टूटा है वो ही भाई। हाँ हाँ, ये पूरा ये नहीं, उन्होंने ऊपर से काट रहे, नीचे से काट के ना, अगर अभी तक अभी नीचे से बढ़िया हो जाना चाहिए। हाँ, पहले नीचे से था वो, नीचे से था वो। अच्छा, नीचे से था। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, फिर ये इतना ऊपर से कैसे चढ़ा, ये पूरा ही रोड नया काट दिया, पूरा नया काटा है और तभी टाइम लगा खुलने में। ये बसें वगैरह सारी अब प्रॉपर चल रही है, पर ये है कि अभी थोड़ा सा है ना अपडेट होने में टाइम लगेगा, रोड प्रॉपर होने में। तो मेरे ख्याल से एक वीक में कर देंगे, जिस तरीके से लगे हुए ना हो जाएगा एक वीक में। ये देखो, ये वो जो रोड था ना, वो मेन रोड था, वो नीचे था, तो अब ये ऊपर से कर रखा है। हो सकता है टेम्परेरी किया है, पता नहीं परमानेंट कर दिया, पर अभी कर दिया। और इसको भी खोलने में एक हफ्ता लग गया था। ये देखो भाई, कसोल बिल्कुल वैसे ही है पहले जैसा, आपने लास्ट वीडियो में मेरी में देखा होगा, तो एज इट इज ही है भाई, कोई इतना बहुत ज़्यादा फर्क दिखा नहीं हमें। हाँ, एक चीज़ का फर्क है कि आप लोग नहीं हो भाई, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है अभी, बाकी सब तो नॉर्मल है, एज इट इज लाइफ चल रही है। कसोल का सीन सब कुछ परफेक्टली है। उस साइड में जो बाजार था ना, उसमें तो पानी आया था, पर इस साइड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं था। उस साइड में थोड़ा बहुत इफेक्ट था, पानी आया था लोगों को थोड़ा बहुत, रिवर साइड में नुकसान भी हुआ है। अरे भाई, हम अपना क्या बोलते हैं इसको, छोज, ये आ गया छोज विलेज। यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है रोड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मणिकरण भी बस पहुँच ही गए 2 मिनट में, और तो भाई अब तो खुल गया सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये है मणिकरण गुरुद्वारा, इसमें तो कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इधर जालियाँ टूटी थी, मैंने देखी थी वीडियोस, वो सिर्फ जो जालियाँ टूटी है ना वो टूटी थी, क्योंकि पानी देखो आप कितनी हाइट तक आ गया था, और अभी देखो कितना नीचे है। अभी भी वैसे पानी तो बढ़ा हुआ है, पर काफ़ी नीचे है अभी। ओहो, ये टूट गया भाई। और एक नुकसान हुआ, वहाँ पे नहाने का बनाया हुआ था, गर्म पानी का पूल था, वो चला गया, वो मेरी लास्ट वीडियो में है, तो जो लास्ट वीडियो है ना वो जाके देखोगे ना, तो उसमें प्रॉपर है वो नहाने का, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ था। और ये देखो, यहाँ से पुल डैमेज हुआ भाई। और ये निकल रहा है गर्म पानी, देखो अलग से ही, वो एक उधर निकल रहा है, वो देखो वो एक ही इधर निकल रहा है। यहाँ पे भी हुआ था, क्योंकि यहाँ से नाला आ गया था, किस साइड से आया था, इस साइड से नाला आ गया था। ये देखो सारी दुकानों में बेचारे दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं सभी, ये देखो ना कहाँ तक निशान दिख रहा है मिट्टी का, यानी यहाँ तक मिट्टी थी तो पानी ऊपर तक होगा, और मंदिर पे भी निशान है, शिव मंदिर पे भी काफ़ी निशान है, तो इसका मतलब पानी नीचे भी गया, मिट्टी सारे में ही थी। गुरुद्वारे का भी रास्ता था ना, ये पूरा पैक हो गया था, गेट का तो पता ही नहीं था, ये पूरा ATM भी वहाँ तक, ये देखो ना निशान बने हुए पूरी सभी दुकानों में, इतना इतना मलबा आ गया था, और इसके ऊपर पानी चल रहा था, ये तो पूरा बंद था, ये दिख ही रहा अभी, देखो इसकी सफाई वगैरह चल रही है, पर अब हो गया सब कुछ ना, ठीक कर दिया है सब, सब कुछ परफेक्ट है, और सेफ्टी का भी अब कोई इश्यू नहीं है। और भाई, जो मंदिर था अंदर से आपको अगर देखना है, तो मेरी एक पहले वीडियो पड़ी हुई है कसोल की, वो आप देख सकते हो, उसमें टोटल मंदिर का भी है और गुरुद्वारे का भी, तो वो देख सकते हो, इसमें मैंने बनाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो रखी थी। हमने कहा गुरुद्वारे में जब आते हैं जो रहने के लिए, उनके लिए था, और इधर भी है रहने के लिए, मेन गुरुद्वारा अंदर है, वो शिव मंदिर है जो अभी हम गए थे जहाँ पे। तो भाई फाइनली वापस आ गए थे कैंप में आ गए, और अपने कैंप में ही कर रहे हैं रेस्ट। और भाई ये है अपना कैंप, तो भाई इस वीडियो को करते ही यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, और भाई नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है सिसु जाएं, या फिर जाएंगे रोहतांग पास, वो डिसाइड करेंगे हम कल उठ के, तो भाई वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई इस वीडियो को कर देते यहीं पर एंड, और सोने की हो रही है तैयारी, और आँखों में नींद भरी हुई है, बिल्कुल ढीली हो रखी तबीयत,
तो अभी सोते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।